अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम जुबैर सलीम और अभी का जो टॉपिक है दैट इज रेशियल एनालिसिस का क्वेश्चन फ्रॉम ऑटम 21। सो एक अच्छा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल की रेशियोज पे। देयर आर सर्टेन रेशियोज जो हम कैलकुलेट करते हैं, उनमें कुछ वर्किंग कैपिटल की रेशियोज है। सो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, 7 मार्क्स क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल रेशियोज। सो लेट्स अंडरस्टैंड जी की रिक्वायरमेंट क्या हम लोगों ने करना है। बच्चों कैलकुलेट रिक्वायरमेंट 1 है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज फॉर 2020। सर आपने 2020 के लिए वर्किंग कैपिटल साइकिल रेशियोज कैलकुलेट करनी है, सॉरी साइकिल कैलकुलेट करना। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स के लिए कैलकुलेट करना है। और वो कह रहे हैं रिज्यूम करें कि आपके 360 डेज है ईयर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब आपने ईयर में 365 डेज नहीं समझने, 360 समझना है। क्या मतलब है सर? अभी समझ लेते हैं सर। अब हमें पता है कि हमारा जो फॉर्मूला है टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल साइकिल वो क्या है? वो है कि हमने कैलकुलेट करने है इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, हमने कैलकुलेट करना है रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, हमने कैलकुलेट करना है पेएबल पेमेंट पीरियड। ये चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। और ये चीजें कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है? हम लोगों ने इन सबको कंबाइन करना है। ठीक, हमारे पास वर्किंग कैपिटल साइकिल आ जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर समझ नहीं आई, तो लेट्स कैलकुलेट सम रेशियोज और फिर समझ लेते हैं। जिनको कैलकुलेट नहीं आई, समझ नहीं आई, सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझना है मेरे बच्चों? सबसे पहले हम लोगों ने समझना है कि हमने इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड सर, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या सर? सर एवरेज रिसीवेबल लेने आप लोगों ने, एवरेज रिसीवेबल सॉरी इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री लेनी है आप लोगों ने, डिवाइडेड बाय आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स करनी है और मल्टीप्लाई बाय 365 डेज होता था। अब 365 डेज नहीं हो सकता क्योंकि एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली कह दिया है कि आपने क्या करना, स्पेसिफिकली कह दिया है कि आपने भाई 360 डेज अ ईयर रिज्यूम करना। इसका मतलब ये है कि 360 डेज ये है सर, मल्टीप्लाई करें सही है रेशियो। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड की ये रेशियो है, कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर आपने का दूसरा जो कैलकुलेट करना है दैट इज रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड ये क्या समझाएगा आपको कि रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट करने में कितने डेज लगते हैं आपको ये समझाएगा। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या समझाएगा कि इन्वेंट्री कितने दिन आपको होल्ड करनी पड़ती है बेचने से पहले। मतलब आप चाहते हैं कि आप उसे बेचें तो बेचने से पहले कितने दिन आपने इन्वेंट्री अपने पास रखनी। सर मैं एक शॉप रन करता हूँ, मैं इन्वेंट्री खरीदता हूँ, 10 दिन मेरे पास पड़ी रहती है, फिर एक कस्टमर आता है तो मैंने कितने दिन रखी अपने पास? 10 दिन। फिर मैंने उसको उधार पे बेच दिया, कजन भाई थे जो के ले गए उधार, तो मैंने उसको 2000 दे दिया। 2000 की चीज थी, मैंने 20 दिन का उधार दे दिया। अब ये 20 दिन मुझे पैसे कलेक्ट करने में लग गए, हो सकता है वो 22 दिन बाद आए तो 22 दिन लग गए, तो मेरा रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बन गया 22 दिन। और 10 दिन मैंने इन्वेंटरी भी होल्ड करके रखी, तो कितने दिन हो गया है मैंने कस्टमर पैसे लगाए हुए हैं इन्वेंटरी पे, लगा के रखी हुई है इन्वेंटरी। 10 दिन पैसे दिए, 10 दिन इन्वेंटरी होल्ड करके रखी, 22 दिन उधार पे निकल गए, 32 दिन हो गया अभी तक पैसा नहीं आया। ये आ गया फाइनली। फिर आप लोग करते हैं पेबल पेमेंट पीरियड। पेबल पेमेंट पीरियड है कि आपने अगर उधार खरीद लिया था तो आपने उसको कितना पे करने में लगाया टाइम के, तो पेबल पेमेंट पीरियड। इसमें क्या फॉर्मूलाज हैं? वही फॉर्मूलाज है, एवरेज रिसीवेबल लेंगे आप लोग, अगर एवरेज रिसीवेबल कैलकुलेट हो सकते हैं तो, यानी ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल्स गिवन है, डिवाइडेड बाय आप लोग सेल्स लेंगे, Into 365 नहीं करना, आपने 360 करना। ये ले सर। In the same way, payable payment period में आपने average payables लेने हैं, purchases निकालनी है आपने। अब क्योंकि ये question बहुत specific है, सिर्फ working capital पे है, तो फिर आप लोगों को pay यहाँ पे purchases निकाल लेनी चाहिए, credit purchases। ये ले। हाँ अगर purchases नहीं है, बहुत बड़े question में है, तो cost of sale भी ले सकते हैं, कोई problem नहीं है। Into 360, ये ले सर। तो इसको हम ए बोल देते हैं, हम इसको बी बोल देते हैं और इसको हम लोग सी बोल देते हैं। सर ये रेशियो है जो आप लोगों ने कैलकुलेट करें। तो सबसे पहला काम आप लोग जो करेंगे वो है कि आप वर्किंग कैपिटल क्या कर लेंगे,
वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना चाहिए कि आप लोगों को एवरेज क्या ले लेनी चाहिए, इन्वेंट्रीज, एवरेज रिसीवेबल ले लेनी चाहिए, एवरेज पेबल्स ले लेनी चाहिए। तो बहुत आसान है, प्लीज देखें जरा, ट्रेड पेबल्स ये साल के स्टार्ट के हैं, रिसीवेबल्स ये साल के एंड के हैं, लेनी ये साल के स्टार्ट के हैं, ये साल के एंड के हैं, डिवाइडेड बाय टू, दोनों कंबाइन करो, पेबल साल के स्टार्ट के डिवाइड साल के एंड के डिवाइडेड बाय टू, इन्वेंट्री भी साल के शुरू की साल के एंड की डिवाइडेड बाय टू। तो सर करके देख लेते हैं सर, बिल्कुल सर, 95 डिवाइडेड बाय 80 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास आ जाएंगे रिसीवेबल्स, एवरेज रिसीवेबल्स। कितने रिसीवेबल्स आ रहे हैं सर? ये आ रहे हैं 87.5, ये ले सर 87.5 रिसीवेबल्स आ गए। ओके, आगे क्या आ रहा है बच्चों, देख लेते हैं। पेबल्स भी 72 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 66 आ जाएगा यार, ये ले। इन्वेंट्री 93 प्लस 75 दोनों ऐड डिवाइडेड बाय 2 कितने आ जाएंगे सर? एग्जैक्टली 84 आ जाएंगे सर, 84 ये ले। ये मेजर्स सर, आप लोगों के पास एवरेज, आप इसकी एक साइड सेपरेट वर्किंग भी बना सकते हैं, इधर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ इफ यू हैव एवरेज इन्वेंटरी तो आप इधर लिख दें, रिसीवेबल्स लिख दें, तो मेरे पास एवरेज इन्वेंटरी जो आ रही है दैट इज 84, तो ये सर 84 इधर आ गई सर, ये ले 84 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल। एक साल की लेनी है, इसको ना एवरेज लेने बैठ जाना है, ये पूरे साल की होती है। इन्वेंट्री का प्रॉब्लम होता है वो किसी एक दिन की होती है, साल के शुरू की थी, साल के एंड की थी, आपने डिवाइडेड बाय 2 कर ली ताकि एवरेज पूरे साल की आ जाए। कॉस्ट ऑफ सेल तो ऑलरेडी पूरे साल की है, सेल्स ऑलरेडी पूरे साल की है, तो ये आपने इसी साल की यूज करनी है। तो जी सर, इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल सेल कितना है 378 इनटू आप क्या करेंगे सर, इनटू आप करेंगे 360, ये ले सर, आपके पास आ जाएगा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। कितने दिन आपको ऑन एवरेज इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ती है बेचने से पहले? तो सर ये अमाउंट आ रही है आप लोगों के पास 80 डेज, ये ले सर, तो 80 डेज आपके पास ये अमाउंट आ रही है। एवरेज रिसीवेबल्स देख लेते हैं सर, एवरेज रिसीवेबल्स हमने कैलकुलेट किए थे, दे वर 87.5, तो 87.5 आपके पास एवरेज रिसीवेबल्स थे, डिवाइडेड बाय सेल्स करना है आप लोगों ने, सेल्स आपके पास गिवन है 500 है, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 360 कर लेंगे आप लोग, ये है सर आपके पास आ गया रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड आपके पास डेज में अगर हम लोग देखें तो दिस इज 63 डेज, बिल्कुल 63 डेज आ गया आप लोगों के पास, तो ये अमाउंट आ गई है 63 डेज के लिए, ये इसका मतलब है रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट करने में आपको 63 डेज लग जाते हैं, फेयर इनफ। आगे सर, अब एवरेज पेबल डिवाइडेड बाय परचेसेस चाहिए, यू कैन यूज कॉस्ट ऑफ सेल एज वेल, बट क्योंकि आपके पास पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट पर पेएबल्स, तो फिर परचेजेस तो फिर कर लेना चाहिए सर। कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला सर, इसी तरह हम लोग ये परचेजेस पहले भी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, कैश फ्लोज में भी सीखी थी हमने सर। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये है सर, ये अमाउंट आ गई सर। अब आप लोगों के पास क्या है, ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन है आप लोगों को, ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी थी आपके पास, ये 75 और 93, 75 इधर आ जाएगा, 93 इधर आ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल को हम रख लेते हैं एक्स, ये ले कॉस्ट ऑफ सेल के इक्वल है, ये कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है 378, ये ले सर, इक्वेशन रीअरेंज करें सर, एक्स चाहिए मुझे, परचेजेस चाहिए मुझे, तो 378 में से ये 75 इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 75 माइनस कर देंगे, ये सिंपल, ये 93 इधर माइनस हो रहा है दूसरी जगह जाके ऐड हो जाएगा, ये फाइनली आपकी परचेजेस आ जाएंगी 396, तो ये सर 396 आपकी परचेजेस आ गए।
ओके सर, अब एवरेज पेबल्स हमारे पास पहले ही गिवन है, एवरेज पेबल हमने कैलकुलेट किए थे 66 थे, ये ले सर 66, ये आपके पास पेबल्स आ गए। बिल्कुल सर, 66 डिवाइडेड बाय क्या करना है आप लोगों ने बच्चों, परचेजेस 396। सर आपने इतने पंगे क्यों लिए हैं, आप बड़े क्वेश्चंस पे तो नहीं करते थे? सर बड़े क्वेश्चंस पे बड़ी बातें होती हैं, ज्यादा इश्यूज होते हैं, मार्क्स कम होते हैं, इसलिए आप नहीं भी करेंगे तो एग्जामिनर आपको क्रेडिट देने के लिए तैयार है। बट एक छोटे क्वेश्चन में जिसमें वो स्पेसिफिकली वर्किंग कैपिटल रेशियोज मांग रहा है, उसमें आपसे वो इस तरह की चीजें डिमांड करता है कि आप ये वाली हरकतें करें इनटू 360। ओके सर, सर इसका मतलब ये है कि फिर तो हमें कुछ और चीजों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपको कुछ और चीजों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। यस राइट। तो कितना आ रहा है यार, ये 60 डेज आ रहा है यार बच्चों, ये किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा सर? परचेजेस सिर्फ क्रेडिट परचेजेस होनी चाहिए। अगर वो यहाँ पे बोल देता कि परचेजेस 60-40 का स्प्लिट है, 60% क्रेडिट परचेजेस है, 40% कैश परचेजेस, तो आप यहाँ पे क्रेडिट परचेजेस सिर्फ लेके आते। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस है, क्योंकि पेएबल का ताल्लुक सिर्फ क्रेडिट परचेजेस से है। अगर आप सारी कैश परचेजेस कर रहे हैं तो आपका एवरेज पेएबल तो क्रिएट ही नहीं होना। तो पेएबल क्रिएट होता है ड्यू टू क्रेडिट सेल्स। इन द सेम वे एवरेज रिसीवेबल्स के नीचे भी क्रेडिट सेल्स है। यहाँ पे अजम्पशन ले रहे हैं आप, सारी सेल्स उधार पे होंगी। अगर 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 आपके पास स्प्लिट नहीं है, स्प्लिट मतलब कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को अलग अलग करके नहीं बताया हुआ एग्जामिनर ने, याद रखना है बात है। ओके ठीक है सर। सर इस तरह ये भी हो सकता है कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कर ले, ओपनिंग इन्वेंटरी परचेजेस और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी देखे, बिल्कुल हो सकता है सर। ओके ठीक है सर, सब अलग ही सर। और क्या हो सकता है? और हो सकता है एक आधी को गलती हुई हो इसमें, एरर्स, पहले आप एरर ठीक करो फिर रेशियो दोबारा कैलकुलेट करो, ये भी हो सकता है। ओके फिर ना, लेकिन बेसिक रेशियोस के क्वेश्चंस इसी तरह होते हैं दोनों का। ओके सर, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है सर? वर्किंग कैपिटल साइकिल है कि आपने कितना देर अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखना होता है टू कैरी द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। ये आता है ए इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड प्लस बी रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। ये पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए, पैसे आपको पे करके इन्वेंट्री खरीदनी पड़ती है, फिर रिसीवेबल को उधार पे इसलिए पैसा आया नहीं है। तो ये वो टाइम है जब आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है और ये रिड्यूस हो जाता है अगर आप लोग उधार खुद से भी उधार ले लेते, तो पेएबल पेमेंट पेमेंट पीरियड यहाँ से माइनस हो जाता है। सर फिर क्या आ रहा है सर आपके पास? 80 प्लस 63 माइनस 60, इट विल गिव यू एग्जैक्टली 83 डेज का वर्किंग कैपिटल साइकिल। 83 डेज हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और ये जितना कम हो उतना बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि उसे कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू कैरी आउट देयर ऑपरेशंस। सर इसको थोड़ा एलैबोरेट करें, जरूरत नहीं है एलैबोरेट करने की, मैं क्योंकि क्वेश्चन समझाने के मोड में हूँ। एग्जाम में तो जो पूछा हुआ है वो सिर्फ ये पूछा हुआ है, कैलकुलेट करके आगे निकल जाएंगे, आपका पार्ट ए 4 मार्क्स कंप्लीट हो गए। लेकिन क्योंकि हमने तो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है, तो क्वेश्चन से थोड़ी देर हटके जरा ये समझें कि वर्किंग कैपिटल साइकिल जितना कम हो उतना अच्छा। इसका मतलब है आपने 83 डेज ये बिजनेस अपना पैसा इन्वेस्ट रखता है टू कैरी अ ट्रेड, टू कैरी इट्स ऑपरेशंस। सर अगर ये कम हो जाए, सिर्फ 50 दिन हो जाए, तो सर इसका मतलब ये है कि आपने 50 दिन ऑपरेशंस में पैसा लगाया है और कमा रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक बिजनेस है जिसका वर्किंग कैपिटल साइकिल है 83 डेज का, 80 डेज कर लेते हैं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 80 डेज में ढूंढने बैठ जाऊं बस। दूसरा वर्किंग का बिजनेस है जिसका 40 डेज है और तीसरा बिजनेस है जिसके डेज है 20। देयर आर थ्री बिजनेसेस जिनका ये वर्किंग कैपिटल साइकिल, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, ये दोनों एसेट्स हैं। एसेट्स में पैसा लगाना पड़ता है आप लोग, एसेट्स पे पैसा लगाना पड़ता है आप लोग, और पेएबल से पैसा आप उधार लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दो जगह पैसा लगाया हुआ है और एक जगह से आया हुआ है, दोनों को ऐड करो, इन्वेंटरी और रिसीवेबल को पेबल को माइनस करो, तो आपके पास नेट कितने दिन पैसा आपको अपना लगाना पड़ा निकल आएगा। और तीसरा बिजनेस है जिसका वर्किंग कैपिटल साइकिल 20 डेज। सर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट सबके सेम है। सर आप खुद सोचो कौन सा बिजनेस अच्छा है। सर एक को 80 डेज के लिए पैसा लगा के अपना सेम प्रॉफिट कमाया, दूसरे ने सिर्फ 40 डेज के लिए पैसा लगाया और सेम प्रॉफिट कमा लिया, तीसरे ने सिर्फ 20 दिन के लिए अपना पैसा लगाया और
सेम प्रॉफिट कमा लिया, तो ऑब्वियसली जिनका वर्किंग कैपिटल साइकिल शॉर्ट है वो बेहतर कंपनीज होती हैं, बेहतर होते हैं। तो ये किनका शॉर्ट होता है जो वर्किंग कैपिटल को अच्छा मैनेज करते हैं? अच्छा मैनेज करने का मतलब क्या है? जिनके इन्वेंट्री होल्डिंग डेज कम होते हैं, जिनके इन्वेंट्री होल्डिंग डेज कम होते हैं। तो मुझे ये क्या चाहिए? मुझे इनमें रिडक्शन चाहिए इन्वेंट्री होल्डिंग डेज। तो आगे वो बी पार्ट में पूछ रहा है, हाउ कैन वी रिड्यूस वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये साइकिल हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो आंसर है, इसमें जो जमा होने वाली चीजें हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं, उनको रिड्यूस करने की कोशिश करो। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को कम करो, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड को कम करो, और जो माइनस होने वाली इसको बढ़ाओ। ये तीन रीजन है सर। हम इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को कैसे कम कर सकते हैं? सर आप इन्वेंट्री उतनी ही ऑर्डर करें जितनी बिक जाती है। क्या ख्याल? इन्वेंट्री को अच्छा अच्छे तरीके से मैनेज करो और इन्वेंट्री डेज को कम करो, आपको इन्वेंट्री कम होल्ड करनी पड़े। सर एक बिजनेस है जो कि इतनी अपनी पास इन्वेंट्री रखता है कि वो 50 दिन की इन्वेंट्री उनके पास पड़ी हुई है, हालांकि उनकी प्रोडक्शन हर 10 दिन बाद उतनी यूनिट्स और दे देते हैं। उनको 50 यूनिट्स रखने की जरूरत नहीं, 50 दिन की थोड़े दिन की रखें, 12-15-20 दिन की रखें। इतनी ज्यादा सेल्स रख के अभी काम का अपने अपने पैसे फसाए हुए इन्वेंट्री में, बेहतर है ये पैसा इसको शॉर्ट करें, और इसको शॉर्ट करके ही पैसा किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करें जहां से रिटर्न्स भी हैं। दूसरा, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड को कम करने की कोशिश करें। तीसरा, पेबल पेमेंट पीरियड बढ़ा दें। ये तीन रीजंस हैं या तीन काम है जिससे आप लोग अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल को रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने का मतलब इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जितना कम होगा उतना अच्छा। ओके, फेयर इनफ। तो सर कैसे कम किया जा सकते हैं? रिसीवेबल पे बात कर लेते हैं। सर रिसीवेबल पे आप उनको अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट्स ऑफर करें, इंसेंटिव्स दें कि वो आपको जल्दी पे कर रहे हैं, इनसे जल्दी से जल्दी पैसे निकलवाने हैं, तो आप इन्हें डिस्काउंट्स दे के जल्दी निकलवा सकते हैं। फिर जो लेट पेमेंट्स करते हैं उनको चीजें बेचना ही बंद करो। आपको पता है कि यार ये पेमेंट्स जरा लेट पे करते हैं, तो इनको क्या करो, चीजें देना बंद करो उनको को भाई आप लोगों के लिए चीजें है ही नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि वो लेट पेमेंट करते हैं, इससे आपके वर्किंग कैपिटल मैनेज हो जाएगा, आपको जरा अच्छी फील आएगी। ओके, अच्छी फील आएगी। यस, अच्छी फील आएगी। फिर और क्या कर सकते हैं? इन्हें डिस्काउंट्स दें सर, जिन जो लेट पेमेंट्स करते हैं डिफॉल्ट होने के चांसेस उन्हें सेल्स करें। फिर कंट्रोल्स प्रॉपर करें, इन्हें ऑटोमेटिकली मॉनिटर करते रहें, बार बार कॉल्स करें कि यार भाई पैसे दे दें, ताकि वो डिले ना करें। तो इस तरह आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड को कम करना है, पेएबल पेमेंट पीरियड को बढ़ाने की कोशिश करें, उन सप्लायर्स से उधार लें जो के आपको ज्यादा उधार देने के लिए तैयार है। कोशिश करें कैश कम से कम आप लोग जल्दी से जल्दी कम पे करें, लेकिन ऑब्वियसली डिले नहीं करना, उनसे ही उधार ज्यादा लें। सर अब उसने बी पार्ट में पूछा है, सजेस्ट फोर पॉसिबल मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज, ये डेज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो एग्जामिनर ने ये चार रीजंस लिखी हैं, तो ये आप लोगों के सामने है, इनको आप लोग रीड कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ रिसीवेबल्स पे इसने बात की है। इन्वेंट्री को होल्डिंग पीरियड को कम भी किया जा सकता है बाय हैविंग अ प्रॉपर ऑप्टिमल ऑर्डर साइज रख के। ऑर्डर साइज आप कम रखेंगे तो इन्वेंट्री अपने पास कम से कम होल्ड रखेंगे, तो वो ज्यादा कम से कम आपकी होल्डिंग पीरियड आएगा। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स विद कस्टमर एज अर्ली एज पॉसिबल, समटाइम्स कस्टमर कहता नहीं मेरे इतने बनते हैं यूनिट्स कम बेचवाई थी, अगर आप लोग डिस्प्यूट ही रखेंगे तो वो तो पे नहीं करेगा, तो डिस्प्यूट जरा जल्दी सॉल्व करेंगे आप लोग तो पैसे जल्दी आ जाएंगे। These are the reasons के working capital cycle आप लोगों का improve हो सकता है। These are certain measures, ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप इनको बेहतर कर सकते हैं। तो ये एग्जामिनर ने पूछा, देखो कितने आसान 7 मार्क्स थे। अगर आप लोगों को वर्किंग कैपिटल रेशियोस की सेंस है तो ये वाकई में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इट इज फ्रॉम ऑटम 2021 अटेम्प्ट। अभी के लिए इतने गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।